45,000 रुपये की आपकी कच्ची बीघा में है प्रॉफिट। लागत बहुत ज़्यादा लागत लग जाएगी तो 7-8 हज़ार रुपया कच्चे बीघा लग जाती है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं भरावन ब्लॉक के अंतर्गत कुकरा ग्राम पंचायत में और हमारे साथ एक किसान हैं जिनका नाम अशोक जी है। तो अशोक जी, थोड़ा अपने किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिएगा। किसान भाइयों को राम राम जी। मैं अशोक कुमार मौर्य, ग्राम कुकरा, पोस्ट भरावन, थाना अतरौली, जिला हरदोई, यूपी का रहने वाला हूँ जी। तो अशोक जी, ये बताइए, आप ये हल्दी की जो खेती है वो कितने समय से कर रहे हैं? ये खेती हल्दी की 12-13 वर्ष हुए हल्दी की खेती हम कर रहे हैं। 2-3-4 बीघा हर वर्ष खेती मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब एक लंबे समय से आप हल्दी की खेती कर रहे हैं जी, तो काफी अच्छा खासा अनुभव है आपके पास हल्दी की खेती के। हल्दी के ही स्रोत से हमारा सब कुछ बना हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा हल्दी की खेती जो है उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकी जो है अशोक जी बताएंगे क्योंकि इनके पास एक लंबा अनुभव है। तो हल्दी जो है एक मसाले वाली फसल है और इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे टर्मरिक CO1 हो गया, टर्मरिक CO2 हो गया, BSR 1, 2, 3 हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जैसे आपका रश्मि हो गया, रंगा हो गया, रोमा हो गया, सुदर्शना हो गया और सुगंधनम करके एक वेरायटी आती है। तो ये सारी प्रजातियां हैं जिसको आप लगा करके एक अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए जो मिट्टी है उसकी अगर बात की जाए तो वैसे तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी में भी खेती किया जा सकता है, लेकिन अगर इसके लिए रेड यानी लाल दोमट मिट्टी अगर है तो इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है जी। हाँ, इसकी जो बुआई, इसकी जो बुआई का सबसे अच्छा समय होता है अगर देखा जाए तो, अगर शुरुआत में अगर इसकी बुआई कर रहे हैं जिसको अगेती बुआई कहते हैं, तो उसकी बुआई मार्च मतलब 15 मार्च 20 मार्च से शुरू कर देते हैं। हाँ, और अगर मिड वेरायटी बो रहे हैं तो अप्रैल तक बो देते हैं। हाँ, हाँ। अगर लेट वेरायटी बो रहे हैं तो उसके लिए मई जून वाली जो फसल होती है उसमें क्या होता है, वो थोड़ी सी फसल थोड़ा और स्ट्रांग होती है। हाँ, यानी मजबूत होती है। इसमें ऐसा होता है हम डबल फसल लेते हैं। अच्छा, डबल लेते हैं। मार्च में हमने जैसे हल्दी बो दी जी, उसमें घुइया या बंडा, देखिए हमारा ये मान लो बंडा भी लगा हुआ है, उसमें चुकंदर है, डबल हम डबल अधिकतर सब डबल खेती करते हैं। अच्छा अच्छा, अब इस समय जो हमारी हल्दी बोई जा रही है जी, इसमें हल्दी बोएंगे और हल्दी में खीरा। अच्छा, हल्दी में खीरा। हाँ, हल्दी में ये खीरा का मान लो बीज बो दिया जाएगा, उधर खीरा की खत्म हो जाएगा। हाँ, तब तक हमारी हल्दी जाम करके तैयार हो जाएगी, तो अच्छा, डबल हमारी डबल खेती हो गई। अच्छा, अच्छा। जैसे हमने बंदा बोया उसमें चुकंदर ये हमारा लगा है जी, वो ये डबल खेती। जैसे तरोई बोया तो ऊपर तरोई ऊपर चलेगी, नीचे मान लो प्याज है, वो हमारा डबल डबल खेती का प्रोसेस है जी। हाँ, हमेशा मैं डबल खेती ही करता हूँ। तो भैया ये बताइए, इसकी जो बुआई है आज ही आपने स्टार्ट कर दिया है 1 अप्रैल से, तो ये कब तक बोया जा सकता है? ये आज अप्रैल, पहली अप्रैल से, और ये 2 महीने तक बोई जाएगी। अच्छा। हाँ, 2 महीने तक बोई जाएगी। और जो किसान भाई हमसे बीज, ये बीज जो है बनता है जब, तो अंत में ये पका करके बीज हम बनाते हैं जी। पका करके बीज मान लो 1 महीना जब बिल्कुल इसका पत्ता गिर जाता है तब इसका बीज बनता है। और ये जो बीज ये जो है बंडा, मान लो ये बीज में अच्छी पैदावार देता है, इसके कल्ले डबल निकलते हैं, कुतिया की तुलना में ये इसकी पैदावार ज़्यादा है जी। और जो भाई हमारे किसान हमसे बीज प्राप्त करना चाहते हैं 10 या 15 कुंटल, वो बीज हमसे मान लो ले सकते हैं, उचित रेट में देते हैं। और बीज ही हम अधिकतर बीज ही बेचते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 88-53-73-41-19। भैया ये जो हल्दी आप लगा रहे हैं वो कितनी दूरी पे लगा रहे हैं? ये 6 इंच। अच्छा। ये देखिए आप, एक बित्ता से कम। अच्छा अच्छा, ये दूरी 6 इंच की दूरी है, ये देखिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, 6-7 इंच की दूरी ये है। ठीक। तो अशोक जी, इसमें बताइए जो जो हल्दी है इसमें खाद उर्वरक कितना आप डालते हैं और कब डालते हैं? इसमें DAP, यूरिया, पोटाश और नीम की खली।
अच्छा हाँ, इस ये तीन प्रकार के खाद डालते हैं। हाँ, चार प्रकार की खाद इसमें हम डालते हैं जी। और बोआई में, पहले बोआई में पोटास और डीएपी जी की मात्रा 10 किलो बीघा डीएपी और 5 किलो बीघा पोटास जी। बाद में दूसरे में पोटास डीएपी यूरिया 10 किलो डीएपी, 5 किलो पोटास और 10 किलो नीम की खली। अच्छा अच्छा हाँ दूसरे। और ये जो इसकी जो कंद की मात्रा है वो कितना लगता है एक कच्चे बीघे में या एक एकड़ में? ये एक कच्चे बीघा में 2 क्विंटल। एक कच्चे बीघे में 2 क्विंटल? 2 क्विंटल हाँ, अच्छा 2 क्विंटल पर्याप्त है। तो ये जो आप कहाँ से इसको प्राप्त करते हैं जो इसका कंद है या प्रकंद है? ये सर मैंने पहले लखनऊ से लाया बीज, फिर अब 12-13 वर्षों से मैं स्वयं का खुद बीज बना लेता हूँ पका करके जी। वो हमारे पास हमेशा तैयार रहता है, 10-20-40-50 क्विंटल माल बीज के लिए हमारे पास हमेशा तैयार रहता है। कोई भी किसान भाई चाहे तो बीज हमसे प्राप्त कर सकता है। अच्छा अच्छा जी, हमेशा हाँ, एक एकड़ में। और ये जब ये फसल तैयार हो जाती है तो इसकी खुदाई करने के बाद इसको आप कहाँ बेचते हैं? ये खुदाई के पहली बात, मैंने पका बीज अधिकतर हमारे यहाँ से खुद बिक जाता है और जो 10-20 क्विंटल जो बचता है वो हम लखनऊ मंडी। अच्छा लखनऊ मंडी। हाँ, लखनऊ मंडी दुबग्गा से बिक जाता है। अच्छा हाँ, अच्छा। और यहाँ से घर से भी बिका करता है बीज, में अधिकतर बीज ही हमारा बिकता है। फिर जो बचता है वो चैत बैसाख के महीने में हमारे पास मशीन है और ये सब उबाल करके सुखा ली जाती है। सुखा करके इसके भंडारण कर लिया गया, वो सालों साल पीस करके मशीन में पीस करके इसकी बिक्री करते हैं। ये 150 रुपया केजी पिसा हुआ शुद्ध हल्दी, हमारी 100% शुद्ध हल्दी है, इसमें कोई मिलावट मिक्स नहीं होता है। अच्छा हाँ, क्योंकि सब किसान जितना है हमारे यहाँ से मिक्स वाली ये जितनी मिर्चिया धनिया मसाला ये सब स्वयं का हमारा पिसा हुआ 100% शुद्ध की गारंटी है जी जी। हाँ तो अच्छा ये बताइएगा कि एक कच्चे बीघे में आपको लगभग कितना प्रॉफिट या लाभ मिल जाता होगा? इसकी पैदावार की जो हमने आपने बताया, एक बीघा में 25-30 क्विंटल कच्चे बीघा में होती है जी। अब मान के चलिए हल्दी में कभी घाटा ही नहीं है जी। अब इस समय हमारी बीज में हल्दी 30 रुपया केजी के हिसाब से हमारी ये जा रही है इस समय बिक्री। आज 20 मार्च है, हमारी आज से मान लो बिक्री थोड़ी बहुत 10 हल्दी हमारी बिक चुकी है जी। हाँ, और ये 30 रुपया केजी बिक रही है जी। और अब ये समथिंग आप जान लीजिए कि एक कच्चे बीघा में 25 क्विंटल मिनिमम मानिए, 25 क्विंटल 25 क्विंटल से अगर अच्छा किसान लोग खेती कर रहे हैं तो 25 क्विंटल से कम नहीं होगी जी। हाँ, 25 क्विंटल में आप 15 रुपया केजी के हिसाब से गणित कर लीजिए तो 15 × 3 = 45,000 रुपये की आपकी कच्ची बीघा में प्रॉफिट। लागत इसमें 7-8 हज़ार रुपये कच्चे बीघा लमसम लग जाती है जी। अब 45,000 में माइनस कर दिए 8,000 रुपया, वो कच्चे बीघा की प्रॉफिट हमारी है। और जो, हाँ, जो पीस करके बेचेंगे तो और ज्यादा है। पीस करके हमारी हल्दी जो बेच रहे हैं तो 150 रुपया प्रति केजी ये पीसी हुई हमारी हल्दी जा रही। तो क्या आपके पास वो मशीन है पीसने वाली? जी, मशीन है हमारे पास, मशीन लगी है और पैकिंग भी मशीन है। तो चलिए एक बार इनका मशीन देखते हैं जिससे ये हल्दी पीसते हैं। देख सकते हैं ये इनका हल्दी पीसने का मशीन है, इसी से ये हल्दी की पिसाई करते हैं। और ये जो उत्पादन होता है खेत से वो डायरेक्ट भी बेचते हैं, कंद भी बेचते हैं और ये पीसी हुई हल्दी भी बेचते हैं। हाँ, ये मशीन है जी। हाँ, ये ऐसे इसको बंद कर ये ऐसे चलती है जी। और ये चलती है, ये बत्ती से चलती है, ये हमने 32,000 रुपये में बाहर से मंगाई। अच्छा हाँ जी। तो क्या ये कुछ छूट था? नहीं नहीं, छूट कुछ नहीं, मैंने स्वयं मंगाई और ये घंटे में ये हमारी मशीन 30 किलो हल्दी ये घंटे में पीस देती है। अच्छा, एक घंटे में लगभग 30 हाँ, 25 से 30 किलो हल्दी मिर्चा धनिया सब बराबर पीस देती है। ये कहाँ से लिए थे आप? ये बाहर से हमने ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन आई थी। और ये मोटर लगा है इसमें,
और ये मसाला पिसा हुआ रखा है, ये पैकिंग होती है हमारी, ये हल्दी पिसी रखी है। अच्छा, ये खुद का पैकिंग भी करते हैं? हाँ, खुद का पैकिंग करते हैं। अच्छा, हाँ खुद का पैकिंग, हल्दी मिर्चा, क्योंकि 100% शुद्ध की गारंटी है हमारी। अच्छा, खुद का पैकिंग करते हैं और डायरेक्ट जो है मार्केट में बेचते हैं? हाँ, मार्केट सप्लाई होती है हमारी। अच्छा। ये खुद की पैकिंग होती है और ये सब पिसी, ये देखो लगी है ये बोरी, ये सब किसान भाई अब देख सकते हैं, ये खुद का जो है पिसा हुआ हल्दी भी बेचते हैं और ये पैकिंग भी करते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका ये देख के सारा सिस्टम। हाँ, इसमें कोई नुकसान नहीं किसानों का, कोई भी एक हल्दी की खेती करे, बहुत 100% शुद्ध चीज है। तो किसान भाइयों, जितना हल्दी के बारे में जितनी भी जानकारी थी, हल्दी की खेती के बारे में अशोक जी ने पूरी जानकारी दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एक हल्दी की खेती के लिए जितनी भी जानकारी पर्याप्त हो सकती है वो सारा हम लोगों ने बात किया है, और मैं चाहता हूं कि अपने सारे किसान भाइयों के लिए जो हल्दी की शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सिरे से खेती करना चाहते हैं, उनको एक संदेश दीजिए, एक उनका उत्साह बढ़ाइए कि कैसे वो शुरू कर सकते हैं। हाँ, 20 मार्च है, आज से मान लो 2 महीने तक हमारे पास से आए हल्दी में जाए, हल्दी का बीज हमारे पास उपलब्ध रहता है 2-3 महीने हमेशा जी। हाँ, 50-60-70 कुंटल हल्दी हमारे पास हमेशा होती है जी, और बीज में हम पका करके ही हल्दी बेचते हैं, बीज में ही अधिकतर बिकती है और उसके बाद पिसाई हम कर देते हैं जी। जो आपको मशीन हमने दिखाया जी, उसके बाद ये सब पीसी जाती है, पीस करके ये सालों साल बिकती है। तो और इसमें हमेशा फायदे का ही सौदा है, इसमें 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो हल्दी बिके तब भी घाटा नहीं जी, तब भी घाटा है, इसमें कभी घाटा होता ही नहीं है जी। तो और इसको और एक है, इसका जितना बीज है, आम के आम गुठली में दाम, जिसका आप किसान भाई बीज जो बोएंगे, तो जो बीज बोएंगे वो तो बीज उनका निकलेगा ही निकलेगा जी। और अन्य पैदावार, एक पेड़ से लमसम 0.5 किलो 400 ग्राम हर पेड़ की पैदावार इसकी एक पेड़ में होती है। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा जानकारी आपने दिया। तो बाकी किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे, जैसे आप गेहूं की खेती करते हैं, चना मटर सरसों या फिर सब्जी की खेती करते हैं, इसके साथ ही अगर हल्दी की खेती करें तो आपके लिए एक और लाभदायक चीज रहेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखेंगे और ये वीडियो आपके काम आएगा, और ये उम्मीद करते हैं कि आगे अपना उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इस हल्दी से हमें सर बहुत कुछ मिला आज तक। अच्छा, मैं हमारे पास कोई नौकरी बिजनेस तो है नहीं जी, कोई बिजनेस नौकरी नहीं, मैं 12-13 साल से हल्दी की ही खेती करना चालू किया जी। उससे हमारे पास स्वयं की दुकान, खाद, बीज भंडार एवं कीटनाशक विक्रेता मैं आज हूँ जी, इस हल्दी के ही बल पर समझिएगा जी। मैं किसान भाइयों से फिर अनुरोध करता हूँ कि जो किसान इसकी खेती करेंगे जी, हमेशा उनको लाभ ही लाभ रहेगा जी, इसमें कभी घाटा नहीं, सब कुछ हमने इसी से प्राप्त किया, आज हमारे पास सब कुछ है, 4 पहिया गाड़ी मामला सब कुछ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं पे रहेगा और आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।